सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा कॉलेज एडमिशन कोर्स वाइज कंपटीशन के ऊपर। यानी कि यार, आप सबको पता है कि हरियाणा के कॉलेज एडमिशन्स चले हुए हैं, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि कौन से कोर्स में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है और कौन से कोर्सेज में सबसे कम कंपटीशन है। किस कोर्स को अगर आपने सेलेक्ट किया है तो आपके ज़्यादा चांसेज हैं एडमिशन होने के, और किस कोर्स को आपने अगर सेलेक्ट किया है तो आपके कम चांसेज हैं एडमिशन होने के। तो चलिए इस मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। आई होप आप सबको इसमें इंटरेस्ट होगा, क्योंकि आप सभी को जो है कॉलेज में एडमिशन चाहिए, अच्छे कॉलेजेस में चाहिए, अपना मनपसंद आपको जो है कोर्स चाहिए। तो चलिए इस मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। तो गाइज, यहाँ पर जो है अब तक की रिपोर्ट सामने आ रही है निकल के, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यूजी कोर्स में बीए का बढ़ा क्रेज़, बीकॉम में रुझान हो रहा कम। तो यहाँ पर ये न्यूज़ आप लोग देख सकते हो, इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है बीए की तरफ स्टूडेंट्स जो है ज़्यादा क्रेज़ दिखा रहे हैं, ज़्यादा जो है बीए के अंदर एडमिशन्स के लिए अप्लीकेशंस आ रही हैं एज़ कम्पेयर टू बीकॉम। इसके अलावा यहाँ पर जो है आप नीचे कॉलेजेस का देख सकते हो डाटा दिया गया है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखिए, राजकीय कॉलेज राजगढ़ रोड, एक कॉलेज का एग्जाम्पल लेके हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, बीए में 9522 यानी कि 9522 अप्लीकेशंस आई हैं। कितनी? 9000, यानी कि लगभग 10,000 के आसपास जो है फॉर्म आए हैं किसके लिए? बीए के लिए। इसके अलावा नीचे देखिए, बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स, इनमें जो है आप लोग देखेंगे 157, 209, 800, बीएससी में 1000। तो कहने का मतलब इन सब में जो है लगभग 1000, लेकिन बीए में 9000। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा कॉलेज का दिया गया है, इस तरफ देखिए जाट कॉलेज, इसमें बीए के आए हैं 3000, बल्कि 3500, बीकॉम के सिर्फ 500, बीएससी के 300, ठीक है, बीसीए के 300। तो कहने का मतलब आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर बीए और कोर्सेज में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। इसके अलावा देखिए, दूसरी रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये दूसरे न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है, बीए में दिखा सबसे ज़्यादा रुझान, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, सारे के सारे रिपोर्ट्स यही बता रही हैं कि बीए कोर्स ऐसा है जिसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जितने भी कोर्सेज हैं आपके, लाइक बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, नॉर्मल जो यही कोर्सेज हैं, इसके अलावा ऑनर्स के कोर्सेज हैं जैसे कि बीए ऑनर्स, ठीक है, बीकॉम ऑनर्स, तो इन सब के अंदर यहाँ पर जो सिंपल बीए है, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पर जो है हज़ारों में जो है अप्लीकेशन फॉर्म्स डाले जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि बीकॉम हुआ, बीसीए हुआ, बीबीए हुआ, ये कोर्सेज हैं, इनके अंदर जो है स्टूडेंट्स का क्रेज़ कम है। इसके अलावा बीएससी है, उसके अंदर मीडियम है, यानी कि ना ज़्यादा और ना कम। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई, बीए के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन अब की बार हरियाणा के कॉलेजेस में होने वाला है, और ये अब की बार ही नहीं है, बीए के अंदर हर साल ही होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर कि एडमिशन होने के कितने चांसेस हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको जो है आपका फेवरेट कॉलेज में भी ना मिले, ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन एडमिशन जो है वो सबका हो जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हो बात को। यानी कि अब जैसे एक कॉलेज का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, उसमें 9000 जो है अप्लीकेशंस आई हैं बीए की, लेकिन वहाँ सीट कितनी होंगी? लगभग 100-200। तो 9000 में से सिर्फ 200 बच्चों का एडमिशन होगा उस कॉलेज में, ठीक है, लेकिन अप्लीकेशन कितनी आई? 9000। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर फेवरेट कॉलेज जो है वो बीए वालों को क्या पता ना मिले, ठीक है, जिनकी कम परसेंटेज हैं, जिनकी ज़्यादा हैं उनको तो मिल जाएंगे उनके फेवरेट कॉलेज, लेकिन जिनकी 80-90 के आसपास भी है उनको भी क्या पता यहाँ पर जो है उनका सेकंड नंबर वाला कॉलेज मिले, सेकंड चॉइस जो है वो मिले, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि बीए के अंदर जो है यहाँ पर आपको एडमिशन सभी को मिल जाएगा, लेकिन फेवरेट कॉलेजेस मिले या ना मिले ये जो है देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ बात करें कम कंपटीशन वाले जो कोर्सेज हैं, लाइक बीसीए, बीबीए, बीकॉम, तो इनके अंदर जो है आपको अच्छे अच्छे आपके मनपसंद के कॉलेज जो है वो मिल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बीएससी, ठीक है, बीएससी नॉन मेडिकल, मेडिकल, ये जो हैं बीच वाले हैं, इनके अंदर ना ज़्यादा हाई और ना ज़्यादा लो, ठीक है, तो इनके अंदर भी जो है आपका एडमिशन सही सही कॉलेजेस में हो जाएगा। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो, एक बार फिर से मैं समराइज़ कर देता हूँ।
यार सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है वो बीए के अंदर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर बीएससी यानी कि उससे कम, और सबसे कम जो है बीकॉम, बीसीए, बीबीए इन कोर्सेज के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा जो ऑनर के कोर्सेज हैं उनके अंदर भी कम कॉम्पिटिशन है। तो कहने का मतलब यही है कि आपको जो है बीए वगैरह के अंदर अपना फेवरेट कॉलेज जो है वो मिलने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है एज़ कम्पेयर टू बीकॉम, बीसीए, बीबीए, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये थी आज की वीडियो। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है एडमिशन। अगर आपका किसी भी लिस्ट में नाम नहीं आता तब भी जो है आपके पास एक आखिरी हथियार है ओपन काउंसलिंग का, उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ओपन काउंसलिंग के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।